किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले एक हफ्ते की बात करूं, लास्ट वन वीक की बात करूं, तो जो सूरज है वो देखने को नहीं मिला है। अब देखिए, जब सूरज ही नहीं निकलेगा तो हमारी जो फसलों की पत्तियां हैं उनको प्रकाश कैसे मिल पाएगा, यानी कि पौधे को प्रकाश कैसे मिल पाएगा। और जब पौधे को प्रकाश नहीं मिल पाएगा या कम मिल पाएगा, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, वो धीमी पड़ जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब प्लांट के अंदर धीमी पड़ जाएगी, तो प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स कम बनाएंगे। और जब कार्बोहाइड्रेट्स कम बनाएंगे तो हमारे पौधे को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। और जब पौधे को एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो पौधा ठीक से काम नहीं कर पाएगा, यानी कि उसका जो पूरा सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा, उसका जो सिस्टम है वो स्लो वर्क करेगा, जिससे पौधे की ग्रोथ भी हमें स्लो देखने को मिलेगी। तो आप सब जानते हैं कि पौधा सूर्य की उपस्थिति में उसमें पौधे की पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता ही है। पौधा CO2 लेता है एनवायरनमेंट से, यानी कि हवा से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है सूर्य की उपस्थिति में, और वो जड़ों के माध्यम से मिनरल्स और वाटर लेता है, जिससे प्रकाश की उपस्थिति में पौधा फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे पौधा जो बनाता है क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है पौधा। अब देखिए, पौधा इस तरीके से ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। ग्लूकोज क्या काम करता है पौधे के अंदर, तो देखिए ये ग्लूकोज क्या काम करता है कि पौधा जो है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना होता है। देखिए, दुनिया की कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि दुनिया का कोई भी जीवित जीव है, उसकी जो बॉडी है, चाहे हम मनुष्य की बात करें, कीटों की बात करें, कीट जो इंसेक्ट हैं, किसी जानवर की हम बात करें, गाय भैंस घोड़ा बकरी, या हम प्लांट्स की बात करें, पौधे की बात करें, कोई भी जीवित जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया का, उसका जो शरीर बना होता है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर बना होता है, वो बना होता है कोशिकाओं से, यानी कि सेल से। कोशिकाओं को अंग्रेजी में कहते हैं सेल्स, तो वो बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है। अब देखिए, ये सेल्स को जीवित रहने के लिए जरूरत होती है एनर्जी की, ऊर्जा की। अब जो ये ग्लूकोज होता है, जैसे जिससे पौधा फोटोसिंथेसिस करके जो ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ये हमारी कोशिकाओं का एक ईंधन होता है, यानी कि हमारी जो कोशिका है, चाहे हमारी कोशिका हो चाहे पौधे की कोशिकाएं हो, अगर उनको ग्लूकोज ना मिले, कार्बोहाइड्रेट्स ना मिले, तो पौधे की जो हम सेल्स हैं, किसी की भी सेल्स हो, पौधे की हो, आदमी की हो, जानवर की हो, तो उसकी कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, कोशिका काम नहीं कर पाएंगी, कोशिका जीवित नहीं रह पाएंगी। तो जो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो कोशिकाओं का एक भोजन होते हैं। अब देखिए, ये कैसे भोजन में परिवर्तित कर दे, यानी कि ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करती है सेल्स ग्लूकोज को, तो देखिए कोशिकाओं के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो पौधे ग्लूकोज बनाते हैं वो क्या काम होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे सेल्स को एनर्जी मिलती है। जब सेल्स को एनर्जी मिलती है तो इससे पूरे बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिससे कोई भी व्यक्ति अच्छे से काम कर पाता है, या हमारा पौधे की बात करें तो पौधा भी तभी अच्छे से काम कर पाता है। तो अगर पौधे की सेल्स को जो एनर्जी है वो नहीं मिलेगी, तो सेल से शरीर बना है, पूरे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी कि प्लांट्स को एनर्जी नहीं मिलेगी। जब प्लांट्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो पौधा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उसका पूरा वर्क रुक जाएगा, जिससे पौधा पूरी एनर्जी अगर बिल्कुल मिलना बंद हो जाए तो पौधा डेड हो जाएगा। तो इसी तरीके से मनुष्य की भी बात होती है। तो जो पौधा फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो ग्लूकोज बनाते हैं, वो बहुत जरूरी है पौधे की सेल्स को ऊर्जा देने के लिए, प्लांट को ऊर्जा देने के लिए, उसी तरीके मनुष्य के लिए भी वो जरूरी है। लेकिन अंतर इतना होता है मनुष्य में या प्लांट्स में, या अन्य जीवों की बात करें, अन्य जीवों में और पौधे में अंतर इतना होता है कि पौधा जो अपना कार्बोहाइड्रेट्स वो स्वयं बना लेते हैं। पौधा प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे वो कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लूकोज है अपने स्वयं बना लेते हैं, वो किसी और पर आधारित नहीं रहते हैं। लेकिन अन्य जीवों की बात करें, यहाँ तक कि मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य जो आधारित रहता है पौधों पर रहता है। जी हाँ, हम जो अपने अंदर जो ग्लूकोज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, वो पौधों से लेते हैं। कैसे लेते हैं, देखिए पौधा फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाता है, उस ग्लूकोज को एक तो बहुत सारी ग्लूकोज अधिक मात्रा में बनाता है, जिससे जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है उतना तो पौधा ले लेता है, उसकी जो सेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया वो ले लेता है, और पौधा अपनी एनर्जी में यूज कर लेता है। लेकिन जो ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाता है उसको पौधा स्टोरेज कर लेता है, कहाँ पे, फलों के अंदर। फलों के अंदर आप देखते हैं मिठास होती है, यानी कि उसमें ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वहाँ पे वो उसको स्टोरेज कर लेता है।
अब जब उन फलों को आदमी खाता है तो हमारी बॉडी को वहीं से वो जो ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट्स है उन फलों के माध्यम से मिलते हैं, जिससे हमारी सेल्स भी जीवित रहती हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन पौधा इस सब को अपने आप कर लेता है। लेकिन जब पौधे को जब अभी सनलाइट कम निकलेगी तो पौधा जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स कम बनाएगा, जिससे उसे एनर्जी कम मिल पाएगी, यानी कि उतनी एनर्जी उसको नहीं मिल पाएगी। तो उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो पौधे की सेल्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, जिससे पौधा हमारा पूरा उसका सिस्टम है प्लांट्स का वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो जिससे पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, सभी उसके कार्य करने की क्षमता स्लो हो जाएगी, जिससे सीधा असर हमें प्रोडक्शन पर भी भारी देखने को मिलेगा, यानी कि जो प्रोडक्शन है उत्पादन है उसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो अब ऐसे में हम क्या करें जिससे जो पौधा का फोटोसिंथेसिस हो उसको बढ़ा सकें, क्योंकि पौधा का फोटोसिंथेसिस तेज होगा, कार्बोहाइड्रेट्स अधिक बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स अधिक बनेंगे तो पौधे को एनर्जी प्रॉपर मिलेगी, तो जिससे पौधा का पूरा सिस्टम अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमारे सीवीड एक्सट्रैक्ट आते हैं, सीवीड एक्सट्रैक्ट में जैसे हमारा बायोविटा आता है, इफको कंपनी का सागरिका आता है, और भी बहुत सारी कंपनियों को मिल जाएंगे सीवीड एक्सट्रैक्ट, तो आपको इसका स्प्रे अब लेना चाहिए। यानी कि जब सूरज नहीं निकल रहा है, कम धूप मिल रही है, तो ऐसे में स्प्रे लेना चाहिए, क्योंकि जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होते हैं वो कम धूप में भी, यानी कि पौधे में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर देते हैं कि पौधा कम धूप में भी अधिक से अधिक फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यानी कि कम प्रकाश की कम प्रकाश की उपस्थिति में भी जो पौधा है वो अधिक से अधिक फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स बना पाएगा, जिससे पौधे को उचित एनर्जी मिल पाएगी और हमारी जो पौधे की ग्रोथ है वो हमें अच्छी देखने को मिलेगी। तो इस समय में जो हमारे सीवीड एक्सट्रैक्ट होते हैं, यानी कि समुद्री में एक खरपतवार होती है उसका रस होता है जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो उनका आप जरूर स्प्रे करें, जैसे आप सागरिका ले सकते हैं, बायोविटा ले सकते हैं। देखिए इसके अंदर एक तो ये फोटोसिंथेसिस को तेज करते हैं, दूसरा हमारे पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल को भी बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि इस सर्दियों में जो क्लोरोफिल है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि पौधे को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, तो ये क्लोरोफिल को बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ जो फोटोसिंथेसिस है उसको तेज करते हैं पौधे के अंदर। उसके साथ साथ सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होते हैं इनमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, तो जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो प्लांट्स में कुछ हार्मोन्स जाते हैं जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, यानी कि जो पौधे की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स, यानी कि पौधे की ग्रोथ को तेज करने वाले हार्मोन्स भी सीवीड एक्सट्रैक्ट के अंदर पाए जाते हैं, जिससे पौधे का ओवरऑल विकास अच्छा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ सीवीड एक्सट्रैक्ट में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जिससे प्लांट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी होती है, जिससे पौधा हमें हरा भरा देखने को मिलता है। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट चाहे सागरिका ले लें, बायोविटा ले लें या किसी भी कंपनी का ले लें, उसका स्प्रे आप जरूर करें 15-20 दिन में एक बार, सर्दियों के वेदर में एक स्प्रे आप जरूर ले लें। इससे आपका पौधा अच्छा ग्रो करेगा, हरा भरा ग्रो करेगा, और जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होते हैं वो हर तरह के स्ट्रेस से आपके पौधे को निकालने में भी हेल्प करते हैं। देखिए सागरिका या बायोविटा यानी कि जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है, इनके साथ आप एनपीके जो 19-19-19 आता है उसको भी मिक्स करके स्प्रे जरूर कर सकते हैं, और 19-19-19 का जो एनपीके 19-19-19 है उसका स्प्रे आप 4-5 दिन में एक बार आप लेते रहें, नहीं तो वीकली तो जरूर लेते रहें, नहीं क्योंकि हफ्ते में एक बार हमें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है उसकी ज़्यादा जरूरत होती है प्लांट को, और अभी सर्दियों के मौसम में वो उतने ज़्यादा प्लांट्स को जमीन से नहीं मिल पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते हैं इस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आप वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो वो नहीं मिल पाते हैं जिससे फसलों में पीलापन आता है, फसलों की ग्रोथ कम होती है, तो इसलिए 19-19-19 का स्प्रे वीकली हफ्ते में एक बार, नहीं तो दो बार भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक दिन छेक कर आप डेली भी कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे फसलों की ग्रोथ आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, और 15-20 दिन भर में एक बार जो हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है उसको भी आप मिक्स करके उपयोग करें। इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट अपनी फसलों में देखने को मिलेंगे, फसलों की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, फसल आपकी ठंड से के जो स्ट्रेस है, ठंड का जो स्ट्रेस है, सर्दी का जो स्ट्रेस है, उससे बची रहेगी। तो आप ये कर सकते हैं इस वेदर में। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।